फिर से एक केवीएस के मॉक इंटरव्यू की लाइव सेशन हम लेकर आए हैं आकांक्षा जी के साथ। और आकांक्षा जी के साथ हम जो इंटरव्यू करेंगे, मॉक इंटरव्यू होगा ये डेमो इंटरव्यू आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी हमारे साथ साथ मूल्यांकन करते चलना है क्या कमियां रह गई, और आप में भी वो कमियां हो सकती हैं, हम में भी ये कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि दूर दराज सभी जगहों से जुड़े हुए उन लोगों के लिए हम उनके इंटरव्यू के सेशन में काफ़ी मदद कर सके। तो आकांक्षा जी, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू के मॉक डेमो इंटरव्यू के पैनल में। तो बाकी जो प्रक्रियाएं होती हैं कि गेट ओपन करना है, मैं कम इन बोलकर एंट्री करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, थैंक यू के साथ बैठना है, आपके द्वारा जो फॉर्म फिल किया गया, जो केवीएस के परफॉर्म होते हैं उसी परफॉर्मों पर आपने फॉर्म फिलअप किया है, और उसी के साथ हम लोग इंटरव्यू शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? जी सर। तो पहला सवाल मेरा सभी की तरह है, और सभी सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं। आप अपना परिचय दें या आप अपने बारे में हमें बताएं। जी, मेरा नाम आकांक्षा दुबे है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली हूँ। और मेरी मेरी जो है हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई मैंने बेला से की है, निशा चिल्ड्रन अकेडमी इंटर कॉलेज से। और इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है विधुना के आरा डिग्री कॉलेज से पूरा किया है। इसके बाद मैंने बीटीसी आगरा के संत राम कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अभी तक मैं 3 बार NEET क्वालिफाइड किया है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मेरी स्ट्रेंथ की, तो वो ये है कि मैं जो है बच्चों के, वो कैसे भी बच्चे हों, उनको जो है चीजें समझाने में कामयाब भी हासिल कर लेती हूँ। और मैं अभी भी एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ प्राइवेट अध्यापिका के रूप में। और मेरी जो चीजें हैं मैं सीखने में ज्यादा विश्वास रखती हूँ कि कहीं पे भी बैठे हैं तो नई नई चीजों को कैसे सीखना है, लोगों के बीच में अपने आप को कैसे वहां पे स्थापित करना है, तो अभी फिलहाल मेरा नहीं। आपने बताया कि आप औरैया जिले से हैं और आपने बीटीसी आगरा से किया है, जी हाँ, तो औरैया में क्या प्रसिद्ध है? आगरा में तो हम सभी जानते हैं ताजमहल प्रसिद्ध है, और ताजमहल से ही हम आगरा को जानते औरैया हैं। औरैया में अगर देखा जाए तो घी प्रसिद्ध है। औरैया जिले का जो घी है, देसी घी, वो प्रसिद्ध है। अच्छा, ये घी देसी के अलावा कौन सा घी होता है, उसमें क्या अंतर, कैसे मानेंगे देसी घी होता है, क्या होता है देसी घी? तो देसी घी में उसकी जो है क्वांटिटी के हिसाब से होता है। और इस बारे में अगर मैं साइंटिफिक रूप से बात करूं तो मुझे नॉलेज नहीं। अगर एक बच्चा छोटा सा पूछे कक्षा एक का कि मैम आप औरैया से आती हैं, आपके यहाँ क्या प्रसिद्ध है, और आप बताएं कि देसी घी, तो वो ये पूछेगा मैम ये देसी घी क्या होता है, तो उस कक्षा के बच्चे को आप क्या बताएंगे देसी घी? तो उस कक्षा के बच्चे को मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे घरों में हमारी माएं हैं जो गाय या भैंस दूध देती है, उस दूध से जो वो दही बनाती है और फिर उस दही को मतलब मथा जाता है एक लकड़ी के उसके द्वारा, तो बच्चों के घरों में वो चीजें होती हैं तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ उन्होंने अपनी दादी या नानी या मम्मी को उसे करते देखा होगा, तो वो उस चीज को रिलेट कर पाएंगे। अच्छा हाँ, ये तो मेरे घर में भी मेरी मम्मी कर रही थी, या कोई बताएगा मेरी दादी कर रही थी, हाँ बेटा उसी से देती है। अच्छा, देसी घी का हम उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? खाने में भी करते हैं और पूजा पाठ में भी करते हैं। और अगर बात की जाए देसी घी की, तो इस गाय का जो देसी घी है वो मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है कि मतलब अगर बच्चा खाएगा तो वो हेल्दी रहेगा और बुद्धिमान भी होगा, ऐसी लोगों के मन में धारणाएं हैं। और वो कहीं ना कहीं सच भी मानी जाती है। और साथ के साथ पूजा पाठ में भी अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है तो वहां पे देसी घी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर बच्चियां खाएंगी तो क्या होगा, उनके दिमाग पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चे हेल्दी होता है, जैसे कि बाकी बच्चियां खाएंगी अगर कोई भी तो, चीज है। बच्चियां हाँ खाएंगी तो क्या होगा, आपने से कहा कि बच्चे खाएंगे, अगर बच्चियां खाएंगी तो क्या होगा? तो वो तो लड़के और लड़की में इस मामले में भेदभाव नहीं करते हैं, तो दोनों का ही बराबर असर होगा। अच्छा, दोनों का बराबर, आपने कहा बच्चे, तभी मुझे लगा कि कहीं बच्चियों को आपने कहीं छोड़ तो नहीं दिया है। नहीं, हम लैंगिक विविधता नहीं कर सकते हैं, लड़के और लड़की समान है, तो शिक्षा में उन्हें भी बराबरी का हक है और हर एक मामले में उन्हें बराबरी का हक है। आप केवी में किस जोन में पढ़ाना पसंद करेंगे, केवी के किस जोन में पढ़ाना पसंद करेंगे, आपका फेवरेट जोन कौन सा है? सर, केबी के जोन की अगर आप सिटी एंड प्लेस की बात कर रहे हैं क्या? जी,
तो सर अगर यहाँ पे बात की जाए तो मैं ग्रामीण का जो जोन है वहां पहुंचाना पसंद करूंगी। और लगातार एक जगह से उठा के दूसरी जगह भी पहुंचाया जाता रहता है, तो क्या आप असुविधा नहीं होगी कभी आप यहाँ, जैसे कभी सिक्किम में है, कभी अरुणाचल प्रदेश भेज दिया, कभी मणिपुर, कभी तमिलनाडु, फिर उठा के आपको पंजाब भेज दिया जाए, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे के भी इसमें? नहीं सर, अगर जैसे अगर आप किसी काम को वाकई में मन से करना चाहते हैं और अगर किसी काम में आपकी रुचि है तो उस काम को करने में सुविधा असुविधा होती जरूर है, लेकिन वो उतनी ज्यादा महसूस नहीं करता है, बस आपका उस ओर ध्यान कितना है ये होना। तो आप केवी में किस कक्षा को पढ़ाना चाहेंगे? तो केवी में कक्षा की बात की जाए तो अभी तक जो मैंने अपना प्राइवेट टीचिंग की है तो वहां पे मैं हमेशा कक्षा 4 को मैंने प्राथमिकता दी है। वहां पे मैं इसलिए देखती थी क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो जो है थोड़ी सी ज्यादा प्रश्नोत्तरी कर पाते हैं, यहाँ तो जो सिलेबस है वो उनका इतना आगे बढ़ चुका होता है कि उन्हें नई नई चीजें उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो नए नए तरीकों से सीख सकते हैं। और यहाँ के बच्चे अगर जो बच्चा है उसका सबसे ज्यादा जो विकास है ऐसा मैं सोचती हूँ कि यही पे ज्यादा होता है इस लेवल पे 3, 4, 5 में, क्योंकि वहां पे उन्हें प्लेवे मेथड में जो आपका पीजी और कक्षा 1 है वहां पे उनको जो खेल की विधि में सिखाया जा सकता है और उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो बैठाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे उन्हें हर रोज नई नई चीजों से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उन्होंने 1-2 में नहीं सीखी होती हैं और वो उस टाइम पे सीखने के लिए उतने काबिल नहीं होते, लेकिन जब ये जोन आता है तो यहाँ पे वो उन चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, बातों को समझने लगते हैं, अच्छा और बुरा समझने लगते हैं और कहीं कहीं हाँ यहाँ पे वो शैतान ज्यादा होते हैं, थोड़ी सी उनके अंदर शरारतें पड़ती हैं, लेकिन साथ के साथ अगर कोई उन्हें वाकई में समझाना चाहता है तो वो उन चीजों को समझ भी लेते हैं। अगर हम आपको कक्षा 1 में पढ़वाना चाहें तो आप क्या करेंगे? अगर कक्षा 1 में तो मैं वहां पे भी हाँ वहां पे मुझे दोनों में फर्क है कि मुझे यहाँ पे बच्चों को कक्षा 4 में अगर पढ़ाऊंगी तो वहां पे मुझे बच्चों को मतलब चीजें समझानी पड़ेगी, प्रैक्टिकली करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों को मैं अगर प्राथमिकता देनी होगी मुझे खेल विधि, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जितना अच्छे तरीके से खेल खेल में या गा गा कर कविताओं को बताया जा सकता है उतने अच्छे से यहाँ पे हम उन्हें नहीं समझा सकते, इनके सबसे अच्छा तरीका है कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने का मैदान में, उन्हें खेल के मैदान में ले जाए और वहां पे उन्हें नए नए खेलों के जरिए चीजों को सिखाए। NCF और KBS, NCERT तो कहता है हमें 4 को भी ऐसे पढ़ाना चाहिए। सर आप रिपीट करेंगे, वॉइस डिस्कनेक्ट हो गए। जो आपने कक्षा 1 को पढ़ाने की विधि की बात की है यह NCERT, NCF 2005, KB भी कहता है कि 4 के बच्चों को भी कुछ ऐसे ही पढ़ाना है, तो फिर आप 4 को कैसे पढ़ाएंगे? 4 को मैं खेल खेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पे वो खेल खेल के साथ साथ बहुत सी चीजों को अगर उन्हें विस्तारित रूप से समझाया जाए, अब यहाँ पे जो ये बच्चे हैं कक्षा 4 के वो बाकी टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं तो उन्हें बाकी खेल के साथ बहुत सारे तरीके हैं, प्रश्नोत्तरी विधि है या उन्हें थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के खेल सीखने लगते हैं, लेकिन अगर वहां पे बात की जाए कक्षा 1 में तो वहां पे बच्चे जो है खेल के मैदान में सबसे बेहतरीन से सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे और जो परिवेश है उससे सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से भी सीखने लग जाते हैं। अगर आपको कक्षा 1 में पढ़ाने को मिले और आप दूसरे दिन क्लास में क्या करेंगी? आपको कक्षा 1 मिले और आपको दूसरा दिन के भी अगर मैं कक्षा 1 में जाती हूँ और दूसरे दिन जब मैं वहां पे जाऊंगी तो पहला दिन जो मेरा जाएगा वो बच्चों के साथ उनके परिचय और जो हमारा विषय होगा, मान लीजिए वहां पे मेरा विषय है मैथ, तो पहले दिन तो जाते ही जाते मैं उन्हें कोई नंबरिंग या कुछ भी नहीं बताने लग जाऊंगी, दूसरे दिन मैं उन्हें जाऊंगी और वहां पे मेरा जो पहला काम होगा कि मैं बच्चों को नंबर से जो संख्याएं हैं उनसे खेल खेल में उन्हें बताऊं, उसके लिए मुझे सीधे मतलब जो भी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनका प्रयोग करना होगा और बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों को उन सब का प्रयोग के द्वारा उनको समझाऊंगी।
नंबर्स को अलग अलग तरीके से, या उनको खेल के मैदान में ले गई, स्कूल में अगर कोई गार्डन है वहां ले गई, उन्हें अलग अलग जो वहां पे चीजें दिखाई, अच्छा ये कितनी है वो कितनी है, ऐसे करके बच्चों को काउंटिंग करवाऊं। ये जोड़ की अवधारणा क्या होती है? जोड़ की अवधारणा सर, जहाँ पे बच्चों को जोड़ की संख्याओं को बताना कि कैसे क्या, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों को कुछ एक चीजें अलग अलग तरीके से दे दी जाए और उन्हें समझाया जाए कि ये कितना है ये कितना है, तो उनको खेल खेल में समझाना। सबसे अच्छी शिक्षण विधि किसे मानते हैं और क्यों? खेल शिक्षण, खेल खेल शिक्षण। कक्षा 4 में जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एनसीईआरटी का, तो मुझे आप जरा अवगत कराएंगे कक्षा 4 में जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसका नाम क्या है? सर एनसीईआरटी की बुक का नाम क्लियर नहीं है। आपने बताया आपको 3 साल पढ़ाने का एक बड़ा अनुभव है और आप एज ए मैथ के टीचर कक्षा 4 में पढ़ा रही हैं और आपने बच्चों को छोटा सा घोड़ा पढ़ाया और ब्लैक बोर्ड पे आपने उन्हें घोड़ा दे दिया। एक शरारती बच्चा सीमा है, बच्ची है, वो सबसे पहले सवाल वो करके आपके पास ले आती, मैम मेरा हो गया। जैसे सवाल लिखते हैं तुरंत उसका आंसर लिख के कॉपी में आ जाती है, मैम मेरा हो गया। तो आप उस बच्चे को, सीमा को किस दृष्टि से देखेंगे, कैसा कैसी बच्ची है आपकी नज़र में? मेरी नजर में वो सीमा जो है वो बहुत ही अच्छी बच्ची है, क्योंकि उसने जो है, जो मैंने उसको घोड़ा की अवधारणा पढ़ा रही थी तो उसने कक्षा में सबसे पहले कर लिया। तो वहां पे क्या करूंगी कि मैं सीमा को उसको अलग से एक दो क्वेश्चन और देने की कोशिश करूंगी जिससे कि वो उनको हल कर पाए, और साथ के साथ मैं उसे जो है क्लास में जैसे उसकी सीट पे जो बच्चा बैठा होगा अगर उसने नहीं कर पाया होगा तो मैं कहीं ना कहीं उस सीमा से कहूंगी कि बेटा अच्छा आप अपने बगल वाले को देखो क्या उसने किया है। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं सहयोग की भावना आएगी कि अच्छा देखो बच्चे एक दूसरे की बात बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ जाते हैं, तो साथ के साथ सीमा और उसके साथ जिससे कि वो बच्ची भी उस काम में व्यस्त हो जाएगी अपने साथी को, और मेरा जो मतलब है मैं भी बच्चों को अच्छे तरीके से बता पाऊंगी। और वो बच्ची फिर उसी क्लास में पीछे नैना बैठी है उस क्लास में और उसे समझ में नहीं आता आपने क्या लिखा है, वो बगल में बैठे नैना मोहनी कॉपी में से देख देख के अपने कॉपी में लिख रही थी, उस बच्ची के ऊपर आपका नजर पड़ता है कि अचानक आप देखती हैं इस जगह पे, तो आप क्या इस जगह पे फिर मैं कोशिश करूंगी कि पहले मैं खुद की राइटिंग को देखूं कि देखें क्या मैंने अपना जो लेख है बोर्ड पे जो भी लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, फिर मैं बाद में नैना के पास जाऊंगी, उसको समस्या को जानने की कोशिश करूंगी और फिर मैं उसको समझाऊंगी कि नहीं बेटा जो आपके बगल में बैठा है हो सकता है उसका 100% सही ना हो, लेकिन आप जो है बोर्ड से लिखें और आपकी जो समस्या है अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताएं, मैं वो समस्या दूर करूँ। अब क्या है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या लिखती हैं क्या आती हैं, मुझे नहीं आता, वास्तव में वो नैना गणित में कमजोर है। तो आप ऐसे बच्चे के लिए क्या करेंगे, जैसे नैना मोहन सोहन गीता ऐसे क्लास में कुछ बच्चों का समूह भी हो सकता है जिन्हें हो सकता है जो आप पढ़ाए हैं जोड़ की अवधारणा गुणा की अवधारणा उन्हें वो ना समझ में, कई बार बताने के बाद भी, और वही आपके सामने कक्षा रूप में सामने जो सीमा बैठी है उसे तुरंत समझ में आ जा रही है, तो इस पूरे कक्षा को आप कैसे संभालेंगे? इसमें मैं कक्षा को ऐसे संभालूंगी कि मैं फिर ये देखूंगी कि बच्चों को समस्या हो कहाँ रही है, जैसे कि बहुत से बच्चों को हो सकता है कि उन्हें गुणा की अवधारणा करने के लिए उन्हें पहाड़ी याद ना, तो पहले मैं उनकी उन चीजों को समझने की कोशिश करूंगी और उन्हें जितने बार वो पूछना चाहेंगे और मैं उन्हें तब तक समझाने की कोशिश करूंगी जब तक वो कर नहीं लेते हैं, उसके लिए अलग अलग तरीके यूज करूंगी, टीएल यूज करूंगी। तो किसी भी अवधारणा को पढ़ाने के लिए किसी कुछ टीएलएम का मुझे उदाहरण दीजिए, जो आपको कोई अवधारणा ऐसी हो जो आपको लगता हो कि आप पढ़ाएं बच्चे न समझ पाए, उसके लिए अगर कोई टीएलएम का भी आपने बनाया हो या कोई ऐसा दिमाग में आपको कोई मेथड हो तो जरा हमें भी बताएं आप। बनाए तो है, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी पीटीसी की तो उस टाइम पे बहुत सारे बनाए थे। अभी आपने जो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा इस 3 सालों का, भी कोई एक टेलम बताइए जो जिसको उपयोग आपने कक्षा कक्ष में किया हो।
अच्छा, हाँ, इन 3 सालों में, तो इन 3 सालों में मैंने टीएलएम नहीं बनाए हैं, क्योंकि जिस जहाँ पे मेरे संस्थान में मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे पहले से ही इतने टेक्नोलॉजी और टीएलएम है कि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। आप इतने टेक्नोलॉजी और टीएलएम से भरपूर स्कूलों में पढ़ा रही हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं वो 21वीं सदी का स्कूल है, केपी जैसे सरकारी स्कूल में आप सरवाइव कर पाएंगी? जी हाँ सर, बिल्कुल कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपका मन किसी काम को करने में कर रहा है तो धीरे धीरे अपने आप वहां पे व्यक्ति जो है अपने आप को स्थापित कर ही लेता है। अगर आपको चुनने के लिए कहा जाए कि आपको सरकारी स्कूल में पढ़ाना है जहाँ पर टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ पे टाट पट्टी बच्चों को बैठा के पढ़ाना होता है, दूसरी तरफ आपके पास एसी वाला कमरा है, टेक्नोलॉजी है, टीएलएम है, सब कुछ है, वहाँ पढ़ाना पसंद करेंगी या उन टाट पट्टी ग्रामीण परिवेश जैसे स्कूलों में? सर पहले तो मैं ये देखूंगी कि मेरे किस बच्चे को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो जहां तक अगर मैं महसूस कर पा रही हूँ तो जो बच्चा एक कमरे में बैठा है साधारण कमरे में जमीन पे, तो उसे मेरी जरूरत ज्यादा होगी, तो शिक्षिका के रूप में पहले मैं उस बच्चे को चुनूंगी अपना आराम छोड़ के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं वहां पे कितना टाइम क्या कर पाऊंगी, लेकिन मैं उस बच्चे को चुनूंगी जो जिसे मेरी ज्यादा जरूरत है, तो मैं पहले जो है उसी को चुनूं जो कमरे साधारण कमरे में बैठा हुआ है उसके साथ चुनूं। आप इतनी हाईटेक हैं, आप साइंस टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानती हैं, आप कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान है, जिन बच्चों ने कभी कंप्यूटर देखा नहीं है, आप कंप्यूटर के टीचर हैं, शिक्षिका हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है या जो पहले से कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिनके घर में भी कंप्यूटर है, जो आपकी बातों को अच्छे समझते हैं, उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है? मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके ज्ञान की जरूरत सबसे ज़्यादा उन बच्चों के जिनके पास पहले से टेक्नोलॉजी मौजूद है। हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जिनके जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है, नहीं सीखी है, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी, उनकी जो उत्सुकता होगी वो उनके अंदर ज्यादा होगी सीखने की, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने घर में पहले से ही देखा है इन सारी चीजों को, तो वो सीखेंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे अगर कभी भी कंप्यूटर के बारे में बच्चों को बताना है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर का जो है टीएलएम यूज करके उन्हें बताऊंगी, और अगर मेरी तरफ से हो सकेगा व्यक्तिगत रूप से भी, तो मैं उन्हें इन सारी चीजों को एक बार सामने से जाके प्रैक्टिस के रूप में करवाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, सपोज दैट आप केवी में टीचर हो जाएं और कोविड जैसी कोई भविष्य में कोई महामारी आती है और फिर से लॉकडाउन लग जाता है, तो उन केवी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आप? तो जहां तक मुझे पता है कि अभी तक जो भी केवी है उसमें जो है बहुत सारे स्कूल में ऑनलाइन जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाने की जैसी कभी कंडीशन आती है तो मैं ऑनलाइन क्लास लेने में कैपेबल हूँ, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें ये हैं कि अब कोविड जैसी महामारी आ गई तो वहां पे बच्चों के पास तो जाना संभव नहीं होगा, उन्हें ऑनलाइन क्लास के जरिए ही पढ़ाया जा सकता है। आपने कहा कि आपको ग्रामीण प्रदेश के बच्चे पढ़ाना काफ़ी पसंद है, और वहाँ पर उनके पास स्मार्टफोन के नाम पे छोटा सा फ़ोन किसी किसी परिवार में होगा भी और नहीं भी होगा, और किसी परिवार में जी एंड्रॉयड हो सर, भी सकता है, तो फिर उस आपके इस ऑनलाइन ज्ञान का, इस केवी के टेक्नोलॉजी का, इस देश के टेक्नोलॉजी का क्या मतलब उनके लिए? वही हाल है कि भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर होगा, उसमें आप कैसे उन बच्चों को अब इस ज्ञान की, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रखेंगे? तो उसमें जो बच्चे हमारे आसपास होंगे उनसे मैं अगर कोशिश करूंगी, अगर मैं उनको पर्सनली मिल पाती हूँ एक-एक करके, ऐसा नहीं कि मैं समूह में, एक जो भी नियम होंगे जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे रूल थे कि 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते है ना, और हमें कितनी दूरी पे रहना है, मास्क सैनिटाइजर जैसे वहां पे जो गाइडलाइंस थी, ऐसे ही अगर कोई महामारी आती है तो उस दौरान जो भी महामारी की गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि अभी जब ये कोविड आया था उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हुई थी मोहल्ला कक्षा की, जहाँ पे टीचर्स जो है अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा मैंने देखा कि जो हमारे साथी थे वो बहुत से लोग मोहल्ला कक्षा के रूप में पढ़ा रहे थे वहां पे, तो
तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ उसी तरीके से बच्चों को पढ़ा। चलिए, आपका प्रयास काफी सराहनीय रहा है। हम आपको केवी में शिक्षक क्यों बनाए? सर, हम केबी में शिक्षक इसलिए आप मुझे मान सकते हैं कि मेरे पास जो 3 साल का अनुभव है। दूसरी चीज, मेरी जो ये स्ट्रेंथ ये है कि मैं ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेश में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकती हूँ। चाहे मुझे ग्रामीण परिवेश मिले, चाहे मुझे शहरी परिवेश मिले, मेरे अंदर ये कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे ग्रामीण ही चाहिए या मुझे शहरी ही चाहिए। मैं दोनों स्थानों पे अपने आप को एडजस्ट कर सकती हूँ। तीसरी चीज कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ये चीज मेरे अंदर है। मैं बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है, मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि मुझे जो है वही बच्चा मिले जो 100 में 90 लाता है और मैं उसके 100 मार्क्स ले आऊं। नहीं, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि जो बच्चा 100 में 30 ला रहा है, मैं उसको 50 तक कैसे पहुंचा पाऊं। तो ये क्षमता जो है, मैं मानती हूँ कि अगर चाहिए तो इस प्रकार से मैं ऑप्शन हूँ केबीए में। लेकिन जब आप उसके लिए किसी अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, तो फिर केवी में शिक्षक बनने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी तो आप पढ़ा ही रही हैं, फिर केवी में जरूरत क्यों है फिर? मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन केबी में जो है जरूरी है, क्योंकि बहुत सी चीजें अगर आप कहीं पे पढ़ा रहे हैं वहां पे भी मुझे इतनी विविधताएं नहीं मिल रही है। जहां मैं पढ़ा रही हूँ वहां बाकी सब अच्छा है, स्कूल की तरफ सब बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पे एक वर्ग विशेष के बच्चे ही फोकस पाते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जहां मैं केंद्रीय विद्यालय में जाऊंगी वहां अलग अलग स्कूल, समय समय पर पोस्टिंग होती है, तो मुझे अलग अलग तरीके के स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। विविधताओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, तो मैं भी इससे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। थैंक यू कांचा जी, अच्छा लगा आपके इस इंटरव्यू का, और आपको थैंक यू, और इस इंटरव्यू को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे ये चांस दिया। बढ़िया लगा, और आपके साथ और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग भी कांचा जी को देखेंगे और बताएंगे, मार्किंग करेंगे कि उन्होंने क्या कमियाँ की, कहाँ इनका वीक जोन रहा, कहाँ स्ट्रांग जोन रहा, और कहाँ कहाँ से कौन से सवाल पूछेगा, और आपसे भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और हो सकता है कुछ इससे भी बड़े भयंकर भयंकर सवाल आपको पाला पड़े। फिलहाल आप लोग वीडियो को शेयर जी करिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। हर दिन हम आपके लिए एक नए नए मॉक इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे, और कोशिश करेगा खज्जा जी से दोबारा इंटरव्यू फिर से करें। एक बार इस वीडियो को आप खुद से देखिएगा 2 से 3 बार, और अपने अन्य लोगों को भी दिखाइएगा, और खुद का मूल्यांकन करिएगा, लोगों से मूल्यांकन करिएगा, और आप भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा 30 में आप आकांक्षा जी को कितने अंक देते हैं। अगर आपको इस इंटरव्यू को 30 मार्क्स होते हैं तो आप इन आकांक्षा जी को कितने मार्क्स देते? और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आकांक्षा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, आपने मुझे ये मौका दिया। यहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा, और मैं साथ ही साथ समझती जा रही थी कि मैं कहाँ पे फंस रही हूँ, कौन सी चीजें मुझे कहाँ पे बोलनी है और कहाँ नहीं बोलनी है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखने का मौका मिला, और मैं बार बार कोशिश करूंगी कि हाँ ये चीजें मैं अपनी सुधार पाऊँ। और आप भी बताइएगा कि मैंने कहाँ कहाँ कमियां की हैं, क्योंकि मैंने तो खुद को ऑब्जर्व किया ही है, लेकिन साथ ही साथ आपने मुझसे बहुत बेहतरीन से किया होगा। हाँ, मैं तो इसीलिए तो मैं आपसे मॉक इंटरव्यू कर रहा था। मैं भी चाह रहा था कि जो गांव से जुड़े प्रदेश के बहुत सारे लड़कियां हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, जो इस बात को परेशान है कैसे इंटरव्यू दें, उनके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी उस बात को लेकर उनको ये नहीं पता है अपनी बातें कैसे रखना है। और इस बात के जी साथ हाँ, साथ क्योंकि जहाँ भी मैंने प्राइवेट टीचिंग के लिए अप्लाई किया वहां पे कभी भी इंटरव्यू के रूप में जाने का मौका ही नहीं मिला। दो जगह टीचिंग की है सर, लेकिन ना कोई इंटरव्यू हुआ ना डेमो हुआ, तो कभी ये फील ही नहीं किया मैंने कि मुझे इंटरव्यू डेमो फेस कैसे करना है। अच्छा, उन लोगों ने बाद में लिया है, उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जैसे कि अभी वो टीचर्स ट्रेनिंग भी देते हैं और डेमो भी लेते हैं सेशन के बीच बीच में, लेकिन फिर उसका कभी कोई फील ही नहीं हुआ कि हाँ वो डेमो ले रहे हैं, क्योंकि फिर ये लगा अरे जो फर्स्ट टाइम किसी को फेस करने का डर होता है वो बार बार फील नहीं होता, तो आप उसका कोई फायदा ही नहीं रह जाता। इसलिए बहुत दिन से सोच रही थी कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे सडनली ऐसा कुछ हो। तो मेरे अंदर एक डर ये भी था कि मैं जनरली जिसको जानती हूँ उसके सामने अपने आप को मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो मैं ये सोच रही थी ठीक है मैं आपको पहले से भी जानती थी, तो मैंने कहा आज देखती हूँ आपके सामने अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, या सिर्फ एक अनजानी दुनिया में ही लोगों को बता पाती हूँ कि हाँ ये है। तो आपने बहुत कुछ सीखा इस इंटरव्यू से, और लोगों को भी बताइएगा कि
लोग पहले जुड़े हैं और रखें, क्योंकि बहुत बड़े कोचिंग वाले बड़ी मोटी मोटी फीस रखे हैं, बच्चे वहां पे जा रहे हैं, लेकिन जब तक उनको ये नहीं पता है, जब तक वो फ्रेश नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ लें, लेकिन उनका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड जो होगा ना, वो उस पैनल के सामने कितना रह जाता है, इस बात का मायने रखता है। तो आप सभी के इंटरव्यू देखिएगा, जितने भी इंटरव्यू चैनल पे आते रहेंगे, और सबके प्रश्न को लिखते चलेगा जो मेरे द्वारा पूछे जाते हैं, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा जो आपको सिलेक्शन में 100% सहयोग करेगा। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, माता रानी से प्रार्थना है कि आप जल्दी से सहायक अध्यापक और अध्यापिका बने आप सब, और अपने माँ बाप अपने परिवार का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें, शेयर करते रहें। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद सर। ठीक है।